लोगों से कर रहा है जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताओ कितने ऐसे मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने कर्नाटक से खड़े होकर उसका जवाब दिया और कहा कि नहीं, इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग था। 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, आज कियामत दुनिया में दहशतगर्दी के खात्मे का पैगाम था। क्या ये जवाब नहीं दिया जा सकता था? कौन जवाब दिए? कोई जवाब नहीं दिया। कर्नाटक के भटकल को बदनाम किया गया कि भटकल में दहशतगर्द है। भटकल के लोगों ने मुझसे फोन करके कहा, असदुद्दीन ओवैसी, हमारा एमपी ये कह रहा है, क्या कोई जवाब देगा, क्या कोई बताएगा? मैंने कहा आधे घंटे में सुन लो, टीवी पर देखो, पार्लियामेंट में मेरी तकरीर होगी, मैं तुम्हारी जबान में उत्तर हिंदुस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में पूछा मैंने कि मिस्टर मोदी, आप 17 तारीख को सूफी कॉन्फ्रेंस में जा रहे, कैसे जा रहे जब आप एमपी कह रहा है कि इस्लाम जब तक रहेगा टेररिज्म रहेगा? अगर ये सच्चा है तो मत जाओ सूफी कॉन्फ्रेंस में, अगर ये झूठा है तो इसको लात मार के निकाल कर। कोई बात नहीं कर सकते। कर्नाटक में मुस्लिम अकलियत की जितनी आबादी है, उतनी आबादी के तनासुब के लिहाज से हमारे इलाके में असेंबली जीत कर नहीं आते। मैं फरका परस्त हूं और आप दूध के धुले में हैं। जिला परिषद का इलेक्शन हुआ, एक मुसलमान को टिकट दिए बेचारे को, उसको भी हरा दिए, उसको भी हरा दिए। मैं हमारे भाई से कह रहा हूं कि तुम अगर हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ते तो जीत और हार तो दूर की बात, शायद तुमको 1000-2000 और बढ़ के जरूर मिल जाता। हमारे महल जात में जाकर देखिए, वहां पर बल्दी सहूलतें नहीं दी जाती, वहां पर बुनियादी काम नहीं करवाए जाते और फिर इल्जाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम पर लगाया जाता है। क्या फिरका परस्त है? हम फिरका परस्त नहीं है। और जो लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, याद रखो, आज तुम मेरी जमहूरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो, मगर इख्तदार किसी एक पार्टी के पास नहीं रहेगा। यह कुदरत का निजाम है। कैसा निजाम है कुदरत का? कि कभी इख्तदार कांग्रेस के पास 30-35 साल रहा तो कांग्रेस ये समझती थी कि हमको कोई नहीं हटा सकता। इख्तदार कांग्रेस के हाथ से चला गया। आज अगर कर्नाटक के पास अगर एक पार्टी के पास इख्तदार है, कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पास इख्तदार नहीं रह सकता। जब इख्तदार नहीं रहेगा और जब कोई तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश करेगा तो आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस के आपके मुकामी एमपी तकरीर कर रहे थे, वो तकरीर करते वक्त एमपी साहब का माइक बंद कर दिया गया। मैंने उनका इंतजार किया और कहा कि इनकी आई को मौका दिया जाना चाहिए, ये बड़ी पार्टी के लीडर है, ये बुजुर्ग है। तो बाद में उन्होंने उससे कहा, अरे आप हमारी तारीफ में खड़े हो गए। मैंने कहा हाँ, जब गलती होती है और जुल्म होता है तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ मैंने उन्हें थोड़ा सा चुटकुला भी दिया। क्या बात है? मैंने कहा आप कर्नाटक में बोलने नहीं दे रहे थे इसलिए यहाँ आपकी तारीफ है। खामोश हो गए, खामोश हो गए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बुजुर्गो, हिंदुस्तान में आज फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है। भाई साहब, हेलो, पुलिस का कॉल है भाई। आज हमारे मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है फिरका परस्ती। फिरका परस्ती को अगर रोकना है तो जरूरी है कि हम अपनी जमात को भी मजबूत करें,
अपनी आवाज को भी मजबूत करें, क्योंकि याद रखिए, मैं आप तमाम नौजवानों से बुजुर्गों से सवाल कर रहा हूं, हमने 65-70 साल में क्या हासिल किया जो हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में सुकून और सुबात है। अगर एक सियासत उभरेगी, एक आवाज उठेगी तो इससे नुकसान होगा। मैं हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि आपने अपनी जिंदगी को गुजार ली, कैसे गुजार ली अच्छी आपको, तुमने अपने 55-60 साल की जिंदगी को गुजार ली, तुम दूसरी जमातों के पीछे दौड़ते रहे, तुमने दूसरी जमातों को कामयाब किया, मगर मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अपनी नजरें नीचे डालकर देखो, तुम्हारी नजरों के नीचे तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, उसका मुस्तकबिल क्या हुआ, कौन सा उससे इंसाफ हुआ, कौन सी पार्टी ने उससे इंसाफ किया, क्या उस पार्टी ने तुमसे इंसाफ किया जिसके पीछे तुमने अपनी जिंदगी लगा दी, उन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, उन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा। याद रखो नौजवानों, हिंदुस्तान में अगर हमको अपना मुकाम हासिल करना है तो जरूरी है कि हमें सियासी ताकत बने। अगर हमसे इफ्तार की दावत करके एक बड़े मिनिस्टर को बुलाकर उसके मुंह में खजूर डालेंगे तो तुम उसके मुंह में खजूर नहीं डाल रहे हो, बल्कि तुम अपने हाथ से अपने पेट पर खंजर मार रहे हो, तुम अपने हाथ से अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो। बहुत हो गई इफ्तार की दावतें, बहुत हो गई ये कौमी यकजहती की बातें। अरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई सेकुलर है तो मुसलमान और दलित से बड़ा कोई सेकुलर नहीं हो सकता। हम कभी फिरका परस्त नहीं थे, हमने कभी फिरका परस्ती का साथ नहीं किया, इसलिए सियासी कुव्वत बनो। और मैं आखिर में एक बात अपनी कहकर खत्म कर दूंगा, कांग्रेस के बारे में मुझे किसी ने कहा कि साहब कांग्रेस के बारे में कोई बात कहो, मैं क्या बात करूंगा, घड़ी में टाइम क्या है देखो, क्या टाइम है घड़ी, तुम्हारी घड़ी की कीमत क्या है, क्या कीमत है तुम्हारी घड़ी की, 2,000, 5,000, 10,000 मेरे हाथ पे जो घड़ी है शेरवानी में रखा वो हमारे ससुरे की है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर 1,40,00,000 की घड़ी पहनते कहते खेलने के बाद बोले आप मैं म्यूजियम में दे देता हूँ, मेरे को भी दो ना आए, मैं भी दे देता हूँ हाथ बाबा को नजर आए थे। दोस्तों ये बेवकूफ बनाने की मशीन बहुत चल चुकी है, अब हमको इनका टाइम बहुत हो गया, अब टाइम रोकना है, यहाँ से मजलिस का टाइम शुरू करवा, यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला आने वाली दिनों में अपनी तारीफ लिखेंगे इतिहास की ताकत के बल बूते पर, ये सियासी शऊर को पैदा करेंगे। और फिर हमारे वजीर आजम से इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हिंदुस्तान, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर गुलबर्गा से बोल देता कि मैं चालान नहीं दूंगा तो आप क्या करते मुझ पर, बाबा बोले तो प्राइम मिनिस्टर चले गए उनके पास, बाबा बोले मैं नहीं देता फाइन, प्राइम मिनिस्टर चले गए अगर हम बोलते तो जेल पुलिस आके डालते, हम बोलते नहीं देते जो माना तो बोलते चलो जेल में चलो, ये कैसा कानून है, ये कैसा सबका साथ सबका विकास, मगर अल्लाह का इंसाफ देखो आप कि आरएसएस बीजेपी वाले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, राम 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 के नाम लेकर मर्यादा और पुरुषोत्तम का नाम लेकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया,